वेलकम बैक जनाब, हम बात कर रहे हैं पैसा जरूरत है या मजबूरी, और इस पे हमने इतनी डिटेल डिस्कशन की। अब जरा रिलेशनशिप्स को करते हैं। हमारे यहाँ यास्मीन रिलेशनशिप्स को जज करने का मेयार या उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम हो गया है। हम लोग सिर्फ इस दौड़ में कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें, अपनी जिंदगी में बिजी रह लें, क्या वजह है? क्योंकि रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस अलग है, पैसे की इम्पोर्टेंस अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मर्ज हो गई। अच्छा, दो चीज़ें कि इन ग्रोइंग अप ईयर्स जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसे बताते हैं कि पहले तुमने क्लास में पोजीशन कैसे लेनी है, फिर उसके बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं तो तुमने यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेने, यूनिवर्सिटी के बाद उसे कहते हैं कि तुमने पैसे कैसे कमाने। अगर वो लिटरेट फैमिली में, अगर वो इलिटरेट फैमिली में, फिर तो वो 5 से 6 साल का होता है तो वो किसी खोखे पर या किसी वर्कशॉप पर लगवा देते हैं। शुरू से उनको सिर्फ पैसा जो है वो बनाना सिखाया जाता है। हमें बचपन से, हमारी कोई भी किताब हमें ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप्स बनाओ, रिलेशनशिप्स का एक्चुअली फ़ायदा क्या है। ठीक है, इवन दो आई टीच पब्लिक रिलेशंस इन अ यूनिवर्सिटी टू मास्टर्स क्लास, लेकिन उसके बावजूद मतलब उनके लिए भी एक फर्स्ट रेवलेशन होती है कि हम रिलेशनशिप क्यों हमें पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों हम लोगों से रिलेशनशिप बनाए। तो हमारी सोशल स्किल्स के ऊपर तो इतना काम किया नहीं जाता। तो आई थिंक एक बंदे का यू नो इसमें कोई गलती है भी नहीं कि वो रिलेशनशिप्स के ऊपर इतना काम नहीं कर रहा। सेकेंडली आई थिंक इट्स अ टू वे अप्रोच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, तो उसमें आपकी भी उतनी ही एफर्ट होनी चाहिए। क्या पता आप अपनी जॉब में बिजी हो, आप अपने काम में बिजी हो, आप फ्री लांसिंग करी हो, आप कुछ और करी, सो आई थिंक इट्स अ टू वे एफर्ट। तो देन अगैन इसमें एक ग्रुप एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, मैं आपको इनकरेज कर सकती हूँ, हम मिल सकते हैं, बट मे बी शायद मुझे आपको उसका फायदा भी देना पड़ेगा, फायदा बताना पड़ेगा, उसकी लालच भी देना पड़ेगा। मिलने का तुम्हें ये फायदा है एग्जैक्टली कि यह मतलब मजा आएगा या समथिंग लाइक दैट, या आओ मैं तुम्हें किसी और से मिलवाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वर्कहोलिक। ठीक है, मैं रात को 11-12 समटाइम मुझे 1 या 2 भी बज जाते हैं ऑफिस में काम करते, मुझे पता ही नहीं चलता। सो रिसेंटली क्या हुआ कि अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मुझे अपनी तरफ बुलाई जा रही कि आ जाओ। मैंने कहा यार इस सैटरडे को बहुत मुश्किल है। उसने कहा अच्छा, ओगिलवी के CEO आ रहे हैं मेरी तरफ, तो अब तो तुम जरूर आना चाहोगी। क्योंकि उसको पता है कि इस बहाने यू नो मे बी आई माइट बी एबल टू क्रैक सम बिजनेस फ्रॉम हिम, राइट? तो आई थिंक ये मुझे बड़ा क्यूट लगा कि शी वॉन्ट्स टू मीट मी सो मच कि वो मुझे लालच देने तक के लिए जो है वो तैयार है। तो आई थिंक हमारी लाइफ ही इस तरह से बन गई है कि हम ना तो ऐसे नहीं कि हम दूसरे लोगों के लिए टाइम नहीं निकालते, हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकालते। हम में से कितने इतने लोग हैं जो एक्चुअली जिम जाते हैं या पार्क में जाते हैं या आराम करते हैं अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी के कोई घर में जाके चीज़ बना के खाते हैं। हम लोग तो रस्ते में से पकड़ के कुछ खा लिया, घर में जो पका हुआ है वो खा लिया, राइट? सो हम टाइम नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं है। और टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने टाइम नहीं देंगे तो आप शायद पहले बूढ़े हो जाएं, और अगर आप अपने आप को टाइम देंगे तो शायद वो कभी भी बूढ़े ना हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो ट्राई टू फोकस टू मेक अ गुड रिलेशनशिप विद योर, अपना फ्रेंडशिप सर्कल बड़ा करें, और फ्रेंडशिप सर्कल में आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी उससे कम होते हैं, क्योंकि आप डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों के साथ, उनके साथ जब आप कंपनी करते हैं। तो अगर आप किसी ड्यू टू एनी रीज़न, अपने ऑफिस की वजह से, अपने घर की वजह से, किसी और वजह से, अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप एंजाइटी है, तो आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल के साथ बैठ के जब उसको डिस्कस करते हैं तो वो रिजॉल्व भी होती है, आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, और आप पॉजिटिव भी होते हैं। तो डेट्स वाई टू मेक अ रिलेशनशिप अ सोशल सर्कल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर जिसका यू नो कि इस इंसान तो सोशल एनिमल भी है, तो जब आप सोशल नहीं हैं इट मींस कि यू जस्ट अ मशीन, आप जस्ट काम कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, सो रहे हैं, वो ये गाड़ी में बर्गर खा रहे हैं। बैलेंस भी होना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों में थोड़ा सा इम्बैलेंस देखे कि वो अपने फ्रेंड्स का इतना टाइम गुजार रहे होते हैं कि वो या तो काम में फोकस नहीं कर रहे होते हैं, या वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, या वो फैमिली पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो मैंने एक दफा एक थ्योरी पढ़ी थी कि आपकी जिंदगी में 5 चीजें होती हैं मेजर, वर्क, फ्रेंड्स, फैमिली, स्लीप एंड फिटनेस। ठीक है, वर्क, फ्रेंड्स, फैमिली, स्लीप एंड फिटनेस। और आप 5 चीज़ें एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक दिन में सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑन अ गिवन डे आप फ्रेंड्स, फैमिली और फिटनेस को चूज़ करते हैं, या आप स्लीप, फ्रेंड्स एंड वर्क को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो होता ये कि आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए कि आप इन 5 चीज़ों को आप दिन में सोचें कि आज मैं किन 3 चीज़ों को टाइम दे सकता हूँ। और आई थिंक बैलेंस से ही जो है वो एक आइडियल लाइफ अचीव हो सकती है। अच्छा, पीस ऑफ माइंड हमारे यहाँ नॉर्मली समझते हैं कि हम जिन लोगों के पास, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लगता है कि अच्छा जिनके पास पैसे हैं उनके पास सुकून भी है, पर ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास बेइंतहा पैसे हैं, पर उनके पास जो एक सुकून होता है ना उसके 2 लम्हे भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसे नहीं है पर वो मेंटली इतने पीसफुल होते हैं कि आप सोच रहे होते हैं कि यार काश इतना सुकून मुझे मिल जाए।
अच्छा, सो सेटिस्फेक्शन की एक मैंने थ्योरी पढ़ी, उसके ऊपर एक बहुत एक लंबी चौड़ी रिसर्च हुई थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 20 साल की, और उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सेटिस्फेक्शन आपको तब अचीव होती है जब आपने अपने डिसाइड किए हुए पैराडाइम के ऊपर आपने अचीव किया. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं हूँ और मैं सारी ज़िंदगी से साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लाफ्टर थेरेपिस्ट बनना चाहती थी, तो मेरी खुशी और मेरा सुकून इस चीज़ में होगा अगर मैं उसको अचीव कर लूँ, राइट. अगर आप मुझे कोई और चीज़ दे देंगे तो शायद मैं इतनी खुश नहीं होंगी. एट द सेम टाइम अगर कोई मौलाना साहब हैं, ठीक है, और वो मौलवी बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो एक बड़ी मस्जिद में जो है वो इमाम हो एंड ऑल दैट, राइट. तो उनके लिए खुशी उस चीज़ से, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू स्टडीड जर्नलिज्म, राइट, एंड यू वॉन्ट टू बी host, right, television host, and you wanted to appear on television every single day. Agar main aapko psychologist bana dun, bahut zyada izzat de dun, ya doctor bana dun, you won't be happy, you will have a lot of money. So most of the time hame aksar ye bhi nahi pata hota ki hame chahiye kya, hame apne goals hi nahi pata, hame apne goals kya, hame to ye bhi nahi pata ki hamari dreams kya hain, hamari aspirations kya hain, right. So agar aapko ye nahi pata ki aapko sukoon kis cheez se milta hai, to phir sukoon pana bhi mushkil kaam hai. To sabse pehle to aap ye list banaye ki mujhe kaun kaun si cheeze khushi deti hain, ठीक है. अगर आप वो करेंगे तो आपको उससे एक्चुअली काफी खुशी मिलेगी. ठीक हो गया, पैसे में खुशी नहीं है जनाब, आपको अपनी खुशी को ढूंढनी पड़ेगी. थैंक यू वेरी मच अयूब साहब, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका भी. और जनाब आज हमने डिस्कस किया क्या पैसा जरूरत है या मजबूरी, तो इसका ये कि अगर जो चीज़ आपको सुकून देती है वो पैसा आपको नहीं दे सकता. सुकून के लिए आपको बेतहाशा चीजें चाहिए, जिस तरह यास्मीन ने आपको बताया. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर.